नमस्कार, हमारे दर्शकों का धर्म ज्ञान में स्वागत है। कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में पीएम मोदी की कोशिशों को जहां दुनिया के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश सराहा रहा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से आलोचनाओं का सिलसिला और विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महबूबा मुफ्ती को जहां पीएम मोदी की कोशिशों में मुस्लिम कार्ड नजर आता है, तो वहीं गांधी परिवार को सरकार के दावों और कोशिशों में कोई भी दम नहीं दिखता है। हालांकि आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर दो चरणों का लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो देश में कोरोना संक्रमण की तस्वीर कुछ और ही होती। इस लड़ाई में देश के कर्म योद्धाओं ने भी पीएम मोदी का बराबरी का साथ दिया। तभी तो कभी सेना द्वारा उन पर फूल बरसाए जाते हैं, तो कभी देश की जनता उन्हें फूलों का हार पहनाकर उनके जज्बे को सलाम करती है। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी की कोशिशों को आखिर क्यों विपक्ष को खटक रही है, इसके पीछे का क्या एस्ट्रोलॉजिकली कारण है, और ये जानने के लिए हमने बात की विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी से, जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां तो सच साबित होती ही हैं, लेकिन साल 2010 में कोविड-19 को लेकर भी उनकी ना सिर्फ देववाणी सच साबित हुई बल्कि लॉकडाउन 3 को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी सटीक बैठी। अब विपक्ष के विरोध पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार। देश के धर्म योद्धाओं और कर्म योद्धाओं पर सेना ने जो फूलों की वर्षा की हेलीकॉप्टर से, उस पर विपक्ष ने बहुत क्वेश्चन उठाए। देश के धर्म योद्धाओं और कर्म योद्धाओं का फूलों से सम्मान करना, उनके गले में मालाएं डालना, उनके सम्मान में तालियां बजाना, उनके सम्मान में थाली बजाना, शंख बजाना और दीपक जलाना, इन सब के पीछे की जिन लोगों के पास सोच नहीं है ऐसा क्यों किया गया, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ को अपोज करना है, हर जगह अक्सरी दिखानी है, हर जगह नेतागिरी दिखानी है कि ये हर चीज़ में गलती निकालनी है। और जो काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं उसके पीछे की सोच हर एक व्यक्ति की समझ में नहीं आती। देखिए, हमारे धर्म योद्धा और कर्म योद्धा जिस तरीके से 24 घंटे आवाम की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, देखिए कैपेबिलिटी जो है आपके पेशेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस व्यक्ति में जितनी पेशेंस होती है वो उतना कैपेबल होता है। आप चाहे फौज है, चाहे आपका हमारे जो धर्म योद्धा और कर्म योद्धा है, उनमें एक पेशेंस के कारण ही वो लोग घरों से दूर हैं। और पेशेंस जो है, पेशेंस और फ्रस्ट्रेशन के बीच में एक रिश्ता है। फ्रस्ट्रेशन पेशेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आप अगर परेशान होते हैं तो आपको अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। तो आपको कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस को बढ़ाने के लिए आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होना चाहिए। इस टाइम विपक्ष में जितने भी लोग मोदी जी के कार्यकलाप पे, सरकार के कार्यकलाप पे किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल का नेता जो उंगली उठा रहा है, दे पीपल आर बैडली फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन जो है
इसको हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए। और फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन को जो कम करता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन चाहिए। एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, अगर आप किसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अगर आपको एप्रिशिएट कर दिया जाए, आपको मोटिवेट कर दिया जाए, तो आपका पेशियंस का लेवल बढ़ता है, और पेशियंस बढ़ती है तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। अब देखिएगा, हमारी सेना ने, क्योंकि सेना तो इसको फॉलो करती है, सेना अपने सिपाहियों को हमेशा मोटिवेट करती है, और मोटिवेशन के लिए हर तरीके के उपाय किए जाते हैं। एक सैनिक जो बॉर्डर पे आपके देश की रक्षा कर रहा है, वहां पे कोई नहीं है, उसके आसपास कोई घर नहीं है, झाड़ी के पीछे आपके वो जो बैरक बना के, जिसमें वो लोग जो हैं बॉर्डर की रक्षा करते हैं, तो उनका, उनको अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते, तो उनकी पेशियंस लेवल कम होगी, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो वहां पर वो फिर काम नहीं कर पाएंगे। इस सेना भली भांति जानती है, इसीलिए सेना ने हेलीकॉप्टर के थ्रू हमारे देश के धर्म योद्धाओं और कर्म योद्धाओं के ऊपर फूलों की वर्षा की, ताकि हमारे धर्म योद्धा और कर्म योद्धा मोटिवेटेड रहें। उनको सम्मान दिया, उनको एप्रिशिएट किया, उनको मोटिवेट किया, और विपक्ष में रहने वाले लोगों ने इस पर भी उंगली उठाई कि ये हेलीकॉप्टर अगर मजदूरों को अपने घरों तक लाने के लिए यूज किए जाते तो ज्यादा बेटर था। देखिए, मजदूर अगर घर पहुंच भी जाते हैं, अगर देश के धर्म योद्धा और कर्म योद्धा मोटिवेटेड नहीं है, उनका पेशेंस लेवल डाउन हो जाता है, उनके काम करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कम होती है, तो आप लोगों को कोरोना से कैसे लड़ोगे, कैसे बचोगे, इसको जरा ध्यान से सोचें। अपोजिशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को अपोज करो, आप लोगों को हृदय से आर्मी के कार्य को और इस कष्ट की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे ही जोन ड्यूटी, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी उनका लोग लोहा मान रहे हैं कि इज अ वेरी कैपेबल पर्सन, उनमें नुकसान निकाले, इकट्ठे होके अगर कार्य अच्छा होता है तो यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, देश पहले है, पक्ष विपक्ष बाद में। नमस्कार। बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है, एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है, बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है, बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है, बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में
आनंद फैलाने के लिए समर्पित है।